श्री राधा माधव तुम्हें नमन करे ये विशेष, लाज रखो संकट हरो काटो सकल कलेश। आदरणी समस्त श्रोतागण, आज हम कल्याणी कैसेट के सौजन्य से जो ये कहानी लेकर के चल रहे हैं परम भक्त प्रहलाद की, जिस वक्त हिरणाक्ष खत्म हो जाता है और उसका भैया हिरण्यकश्यप और एक बहन जिसका नाम था सहका, दो केवल बच्चे हैं। तो एक दिन सहका अपनी संग की सहेलियों को लेकर के बगिया के लिए चली है झूला झूलने के लिए, और जैसे ही बगिया में पहुंची है तो संग की सहेलियां आती जब अपनी अपनी ससुराल की बातें करने लगी, तो सहका बोली, क्यों सहेलियों? अरे तुम अपनी अपनी ससुराल की बात करवे को आई हो या जहाँ झूला झूलवे के उद्देश्य आई हो? तो एक लड़की बोली, बहना के तेरो भैया कहा भिकारी है जो तू क्वारी है। तेरो भैया कहा भिकारी है गुइया क्वारी है, बरस तू हमती बड़ी है, तो लड़बे तैयार खड़ी है। ए देखत में उमरिया तेरी बारी है गुइया क्वारी है। जिस वक्त ये लड़कियों में वार्तालाप होता है उस बगिया में, तब तक भक्तों घोड़ी पर सवार होकर के एक विप्रचित नाम का राक्षस आ गया, और जैसे ही उसने बगिया में सहका को देखा उसकी कलाई को पकड़ लिया। एकदम सहका कहने लगी, नालायक मेरी कलाई को छोड़ दे, तुझे नहीं पता मेरे भैया का नाम हिरण्यकश्यप है? विप्रचित कहने लगा, ए सहका, अगर तेरा भैया इतना बलवान है तो अपने भैया को कल इस बगिया में भेज देना और वो आकर के हमसे कुश्ती लड़ ले, और एक बात ध्यान रख, अगर तेरे भैया को मैंने परास्त कर दिया तो तेरा हाथ पकड़ करके मैं घोड़ी पे बैठा के ले जाऊंगा, और अगर तेरे भैया ने मुझे परास्त कर दिया तो चिंता मत कर, हमारा सारा राज तेरे भैया का हो जाएगा। तो नगी शरत, हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर मैंने तेरे भैया को परास्त कर दिया तो के उठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़ी पर, और देखती रह जाएगी बहना तुम्हारी। कहो ना प्यार है प्यार है प्यार, ए उठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़ी पर, देखती रह जाएगी बहना तुम्हारी। नालायक मेरी कलाई को छोड़ दे, सुन, घोड़ी पर बैठा करके तुझे घर ले जाऊंगा, और विधि विधान के द्वारा मैं
शादी रचाऊंगा। कहो ना प्यार है प्यार है प्यार, उठा ले जाऊंगा हाँ, तुझे मैं घोड़ी पर देखती रह जाएगी बहना तुम्हारी। बोल सहका, ये शरत तुझे मंजूर है? मंजूर है। आज भक्तो सहका वहां से चली और अपने घर पे आकर के अपने भैया हेड़ा कश्यप से बोली, भैया मैं तेरी कुश्ती एक बलवान से बद करके आई हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर तूने उसे परास्त कर दिया तो सारा राज उसका तेरा हो जाएगा, और अगर उसने तुझे परास्त कर दिया तो भैया उसकी शर्त है कि वो तेरी बहन की कलाई को पकड़ करके ले जाएगा। हेड़ा कश्यप कहने लगा, बहन चिंता मत कर। और सुबह जैसे हुआ सहका को लेकर के हेड़ा कश्यप बगिया में पहुंचा और उधर से विप्रचित नाम का राक्षस आ गया। दोनों में कुश्ती होने लगी, कभी विप्रचित नीचे तो कभी हेड़ा कश्यप ऊपर, कभी हेड़ा कश्यप नीचे तो कभी विप्रचित ऊपर। अंत में हुआ क्या, वही हुआ कि विप्रचित ने हिरणा कश्यप को चित्त कर दिया और सहका की कलाई को पकड़ करके घोड़ी पे बैठा करके अपने घर ले गया। विध विधान के द्वारा शादी कर ली। इधर हिरणा कश्यप अपने घर पे आया, आंखें लाल लाल, कयाधु कहने लगी, क्या हुआ पिया, आज आपकी आंखों में लाल लाल डोरे। हिरणा कश्यप कहने लगा, कयाधु अब तो हम सब तरह से बेहीन हो गए, हमारा भाई भी मारा गया, मेरी बहन सहका को वो नालायक विप्रचित ले गया, अब तो एक ही चारा है कि हमको तपस्या करनी चाहिए। आज भक्तो हिरणा कश्यप तपस्या करने के लिए चला और इधर सभी देवता घबराने लगे, और देवता वहां से चले कहां पहुंचे, अरे देव गए रे घबराई के गुरु बृहस्पति तब बुलबाए, और रोई रोई की हाल सभी दे बननी समझाए। अरे भैया आज देवराज इंद्र के साथ में सभी देवता गुरु बृहस्पति जी के पास में पहुंचे, कहने लगे, त्रायमाम त्रायमाम गुरुदेव हमारी रक्षा करो, अगर हिरणा कश्यप ने तपस्या पूरी कर ली तो हमारा राज कहां जाएगा। तो गुरुजी कहने लगे, देवताओं चिंता मत करो, अरे गुरु तब तोता बन आए, राम नाम की रटन लगाए दई बचनयो फरमाए। देवताओं चिंता मत करो, हिरणा कश्यप की हम तपस्या को नहीं होने देंगे। इधर तो भगवत प्रेमी हिरणा कश्यप तपस्या के लिए बियाबान जंगल में पहुंचा, और जैसे ही जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे तपस्या के लिए बैठ गया, इधर गुरुदेव बृहस्पति जी तोता का रूप बना करके उस बरगद के पेड़ पे आ गए और कहने लगे, राम राम राम। अरे भाई कौन है राम नाम का ठेकेदार, जरा नीचे उतर के आ। राम राम राम। अब ये तपस्या नहीं होने देगा। आज हिरणा कश्यप वहां से उठा और अपनी रानी कयाधु के महलों के लिए चला। कयाधु महलों में बैठी है, कहने लगी, पिया तुम तो तपस्या करने के लिए गए लेकिन लौट क्यों आए। हिरणा कश्यप कहने लगा, रानी कयाधु क्या बताएं,
उस बरगद के पेड़ पर एक तोता आ गया, वो राम राम कहने लगा। तो कयादू बोली, पिया वो तोता क्या कह रहा था? अरे पगली, बार बार क्यों पूछ रही है, वो राम राम कह रहा था। जैसे ही राम राम 108 बार कयादू ने लिबा लिया, अब तो हिरण्यकश्यप जो तमोगुड़ी था वो रजोगुड़ी हो गया। दूसरा दिन हुआ, फिर ये तपस्या के लिए चला। एक पैर पे खड़े होकर के घनघोर तपस्या की। उसी समय भक्तों ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं, कहने लगे, हिरण्यकश्यप मांग ले वरदान, तेरी भक्ति पर बहुत प्रसन्न है। तो हिरण्यकश्यप बोला, प्रभु आप खुश होकर के आ गए, सुनो मैं वरदान क्या मांगना चाहता हूं। के कुछ अधिक नहीं बस इतना दो। क्या मांगा? ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं, दिन में न मरूं निस में न मरूं। क्या वरदान मांगा? ना ही हम दिन में मरें, ना ही हम रात में मरें, और ना ही नीचे मरें, और ना ही ऊपर मरें। न का वस्त्र से मरें, न का उस शस्त्र से मरें, और न 12 महीनन में मरें। कुछ अधिक नहीं बस इतना दो। ऊपर न मरे नीचे न मरूं, दिन में न मरूं निस में न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं। ये वरदान मांगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, एवं मस्तु जाए, सही होगा। ब्रह्मा जी तो अंतर ध्यान हो गए वहां से, और हिरण्यकश्यप अपनी कचेरी में आ गया। कहने लगा, मंत्री कहिए महाराज। एक बात का ध्यान रखना कि आज से हमारे राज्य में कोई हवन नहीं करेगा, कीर्तन नहीं करेगा। ठीक है महाराज। और जो भगवान का नाम लेगा उसे हम जेलों में सड़वा देंगे। अब तो भक्तों उपद्रव मचने लगा हिरण्यकश्यप का। अब हिरण्यकश्यप विचार करता है कि सबसे पहले हमें अपनी बहनोई को देखना चाहिए, क्योंकि मेरी बहन को जबरन ले गया। आधी रात के वक्त भक्तों चला है हिरण्यकश्यप नंगी तलवार को लेकर के। जैसे ही सुयोग नगरिया में पहुंचा तो क्या देखा कि विप्रचित्त के पास में सहका लेटी है। और भक्तों जाते ही जाते इस नालायक ने क्या किया कि विप्रचित्त की गर्दन में कटारी को भोंक दिया। एकदम धड़ से शीश अलग हो गया, और मार करके हिरण्यकश्यप वहां से चला। और इसी बीच में देवताओं के राजा इंद्र ने क्या किया कि हिरण्यकश्यप की नगरिया में आकर जो गर्भवती महिलाएं थीं उनको इंद्र मारने लगा। तब तक देवऋषि नारद आकर के समझाते हैं, इंद्र तुम्हें नहीं पता हिरण्यकश्यप की जो रानी कयादू है उसके उदर में ऐसा भक्त पैदा होगा जो अपने पिता का नाम निशान मेट देगा। आज नारद बाबा के कहने पर भक्तों रानी कयादू को छोड़ दिया। और इधर हिरण्यकश्यप जैसे ही घर पे आया, काफी समय के बाद हिरण्यकश्यप एक पुत्र पैदा हुआ। जब आंगन में बड़ा हुआ तो विद्वानों ने उसका नाम प्रहलाद रखा। आज प्रहलाद जब बड़े हो गए तो हिरण्यकश्यप ने पढ़ाने के लिए गुरु संडा अमर के यहां बिठा दिया। अब तो दिन प्रतिदिन पढ़ने के लिए जाते हैं प्रहलाद। लेकिन भक्तों एक दिन जब प्रहलाद लेट हो गए तो दूसरी गली से होकर के निकले हैं जिनमें कुमारों के कुछ घर पड़ते हैं। और जैसे ही प्रहलाद उस गली में पहुंचे तो एक बुढ़िया रो रही है, रोने की आवाज आ रही है। प्रहलाद ने देखा कि मेरे पिता के राज्य में एक बुढ़िया मेरे पिता के दुश्मन का नाम ले रही है।
पास में पहुंचे, किवाड़ खटखटाए, कुंभो रानी किवाड़े खोलो। किवाड़ खोले, कुम्हारी तू रो रही है, अरे मेरे पिता के राज में मेरे पिता के बैरी का नाम ले रही है, क्या कारण है? तो कुम्हारी बोली, बेटा अरे रोई रोई बुढ़िया कहे लाल, अरे लला मोती भूल भई रे बारी, बेटा तुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ लाल, अरे रोई रोई कुमारी कहे लला मोती भूल भइए बारी, अरे धोखे ते दबी गए अवारे सुत बिल्ली केरे चारी, लाला धोखे से बेटा अब हमें चार बिल्ली के बच्चा धोखे से दब गए हैं। प्रहलाद कहने लगे, बुढ़िया तो तेरा भगवान बचा देगा। नहीं लाला, अरे भाई मेरे मालिक शर्मिंदा, जो अरे दिल में विश्वास बचेंगे बालक सब जिंदा, मेरे है दिल में बेटा प्रहलाद, मुझे अपने प्रभु पर भरोसा है, मेरे बिल्ली के बच्चा बस बच जाएंगे। प्रहलाद कहने लगे, कुंभो रानी एक बात का ध्यान रखना, ये तुझे तलवार दिखाई दे रही है, अगर बिल्ली के बच्चा ना बचे कल का तुझे मौका देते हैं, इस तलवार से हम तेरे सर को उड़ा देंगे। कुम्हारी कहने लगी, बेटा अगर बिल्ली के बच्चा ना बचे तो मेरे प्राण ले जाना, अगर बच जाए तो बेटा मुझे बधाई दे जाना। प्रहलाद चले गए, सुबह हुआ और जैसे ही प्रहलाद भक्तों आए हैं, कुंभो रानी क्या बिल्ली के बच्चा तुम्हारे बच गए? जवाब दिया, बेटा अभी मैंने अभा न खोली, तुम्हारे सामने ही खोलूंगी अभा। और वो मैया कुम्हारी अभा के पास में बैठ गई, रोती जा रही है, भगवान से अरदास करती जा रही है, अरे हरी गुड़ गाई रही आज कुमारी खोलती जाती अबा को, हरी गुड़ हे नाथ मेरी रक्षा करना प्रभु, आज तुमने मेरी रक्षा नहीं की तो संसार के लोग तुमसे विश्वास को उठा देंगे। हरी गुड़ गाई रही मैया खोलत जाती अबा कुहरी, क्या किया? अरे पके पके जानी घड़ा उठाए, पके और कौतक सामरियानी दिखलाए, कौतक आगे क्या हुआ भाई पदम गुप्ता जी? अरे हरी सुधी हेरी लई कुमारी खोलती जाती अबा को, हरी हरी गुड़ गाई रही मैया खोलती जाती अबा को, हरी गुड़
आज पके पके घड़ा उठाती जा रही है और अलग रखती जा रही है, लेकिन भक्तों चारी घड़ा कुल रही गए कच्चे, चारी घड़ा बाई में बिल्ली के बच्चे, बाई में केवल चार घड़ा कच्चे रह गए। सोई मैया को धीरज बदगो, एक घड़ा उठाओ खोलो और जो ही खोलो सोई को बिल्ली को बच्चा पूछ उठाए के वहां में ते भाजो। अरे रटना नहीं भाई उमरी खोलत जाती अबा को रटन, अरे आरी सुदी हेरी लई मैया खोलती जाती अबा को, आज भक्तों जैसे ही मैया कुमारी ने चारों घड़ा जब खोले हैं तो भक्तों चारों बिल्ली के बच्चा बच गए। जैसे ही प्रहलाद ने देखा एकदम कुमारी के पैरों में गिर गई माँ। धन्य है मैया कुमारी, हमारे अंदर जो अज्ञान का पर्दा था माँ तुमने हटा दिया। आज मैं समझ गया माँ कि मेरा पिता तो संसार का नकली पिता है, माँ समझ गया कि सबका भगवान ऊपर वाला है। मैया आज तू मेरी गुरु बन गई। और भक्तों प्रहलाद कुमारी के पैर छू करके वहां से चले, उसी दिन से प्रहलाद के ऊपर राम नाम का भूत सवार हो गया। जिस वक्त स्कूल में पहुंचे हैं तो मास्टर साहब कहने लगे बेटा प्रहलाद, हाँ गुरुदेव, आज कुछ हम थक गए हैं, अच्छा इसलिए आराम करेंगे, तुम बच्चों को इमला बोल देना। ठीक है गुरुदेव। इधर भक्तों प्रहलाद ने सभी बालकों को बैठा लिया और कहने लगे भैया पट्टी तैयार है? तैयार है भैया, हम जो बोले भैया वो ही लिखना। वे लिखेंगे जो बोलोगे सो ही। लिखो भैया। बोलो भैया। अरे ये पट्टी हाथ सबके रखना संभाल के, ये पट्टी हाथ सबके रखना संभाल के, ये पट्टी हाथ सबके रखना संभाल के, पट्टी पे लिख दो प्यारे राम को संभाल के, पट्टी पे लिख दो, और लिखो राम नाम की झड़ी लगा दो और पट्टी पूरी कर दो, पट्टी पूरी कर दो, हर लाइन में ओ मेरे वीरन राम का जलवा भर दो भर दो, तुम भी कमाल के हम भी कमाल के, पट्टी पे लिख दो भैया राम को संभाल के, पट्टी भर गई तो मां साहब के सामने जाकर के जमा करो। मां साहब ले। क्यों रे प्रहलाद? आज तूने पट्टियों पे लिखवाया, ये कौन से पाठ की मिला है? तुम्हें ना मालूम है गुरुदेव? हमें नहीं मालूम जी, तीसरे अध्याय की बीजगणित की ये मिला है। अरे
नालायक, अरे तुझे नहीं पता जिसका तू नाम लिखवा रहा है ये तेरे पिता का बैरी है। और कल से ऐसी गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। अब ना हो भाई गुरुदेव। आज भक्तों सभी लड़कों की छुट्टी हो गई और दूसरा दिन हुआ जब स्कूल में पहुंचे तो सभी लड़के बैठा लिए प्रहलाद ने और कहने लगे भैया देखो कल तो जल्दी जल्दी में लिखा था और आज बिल्कुल साफ साफ लिखियो। बिल्कुल साफ साफ लिखेंगे, देखिए राइटिंग कितनी अच्छी है। देखो भैया सुनो, लिखो अरे राम 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 जय जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, जनकपुरी धन तोड़ो हो राम, सीता को ब्याही लाए थे राम, के कई कीमत मारी हो राम, फिर 14 बरस गए बन राम। पट्टी भर गई गुरुजी, पट्टी भर गई। आज भक्तों जैसे ही ये पट्टियां मास्टर साहब के सामने पहुंची कहने लगे कह रहे प्रहलाद हमने तुझे कल ही समझाया था लेकिन तू नहीं मानेगा। ए लड़के हाँ गुरुदेव, एक डंडा तो लाना। लाए रहो गुरुजी, बढ़िया तोड़ के लाऊंगा, कौवन में तलते। और जैसे ही मास्टर के हाथ में डंडा आया और प्रहलाद को पीटने लगे, प्रहलाद बोले मास्टर साहब तुमने पापी पेट के लिए पैसा परमेश्वर माना है और थोड़ी सी प्रभुता पाकर मेरा बाप हुआ दीवाना है। मां साहब अरे मेरी तो ऐसी सम्मत है कांटों से नाता जोड़ूंगा, चाहे तुम मारो चाहे पिता मारे तो राम नाम नहीं। गुरु संडा अमर कहने लगे ये ऐसे नहीं मानेगा और हाथ पकड़ करके प्रहलाद का खींचते हुए हिरणा कश्यप के सामने लेकर के पहुंचे। महाराज की जय हो। कहिए माटो साहब। अरे महाराज तुम्हारा ये लड़का प्रहलाद है ना, ये राम नाम का दीवाना हो गया है, स्कूल के सारे बच्चों को इसने राम नाम सिखा दिया। ठीक है बच्चा है, हम समझा लेंगे, चिंता मत करो, तुम जाओ अपने घर को, हम समझा लेंगे, बच्चा है। गुरु संडा अमर तो चले जाते हैं, इधर प्रहलाद को काफी समझाया हिरणा कश्यप ने, नहीं माना प्रहलाद। तो हिरणा कश्यप खींचता हुआ अपनी रानी कयाधु के पास में लेकर के पहुंचा, कहने लगा कयाधु देख तेरा बेटा है, और एक बात का ध्यान रखना इसके ऊपर राम नाम का भूत सवार हो गया है। अच्छा पिया। तो अगर ये नहीं माने तो तुम मेरी पतिव्रता स्त्रियों से जहर दे देना। ठीक है पिया, चिंता मत करो, समझा लेंगे, बच्चा है। आज भक्तों रानी कयाधु गोद में बैठा करके समझाती है बेटा जिसका तू नाम लेता है वो तेरे पिता का बैरी है। बेटा अब यू मान जा बेटा। प्रहलाद कहने लगे मैया क्या तू बावरी हो गई है, अरे माँ एक राम नाम की चदरिया तुम उड़ लो तासु कल्याण हो या। मैया कहने लगी बेटा देख अबे वो मान जा लाला, तेरे पिता का हुक्म है, अगर तू नहीं मानेगा तो ये तुझे जहर भी पीना पड़ेगा। आज भक्तों प्रहलाद कहने लगे मैया मैं जहर पी सकता हूं लेकिन भगवान का नाम नहीं छोड़ सकता। आज भक्तों पत्थर का कलेजा करके मैया कयाधु अपने पति की आज्ञा को मान करके प्याले में जहर घोर करके लाई, कहने लगी ले बेटा
देख अगर तू ये जहर पिएगा तो तू जिंदा नहीं बचेगा। और जैसे ही प्रहलाद के हाथ में वो प्याला दिया, उस प्याले में चतुर्भुजी भगवान दर्शन देने लगे। ए मैया, जो हमें तो चार मूड़ों को दिखाई दे रहा हुआ है। लला, हाँ, जब चार मूड़ों को तुम्हारा काल दिखाई दे रहा हुआ। कालू? हाँ। चाहे मैया काल हो चाहे कोई है, अब तुम्हें चाहे पीलू बता। देख बेटा, अब मान जा। ना मैया, तू कह दे तो मैं पी लूंगा। और मैया समझाए के बोली, अरे बेटा अब मान जा, मैं तेरे से मने कर रही हूँ, लाला मान जा, इसे मत पी। लाला ऐसे न कहियो कले जो फटो जाए, लाला ऐसे न कहियो कले जो फटो जाए। कले जो फटो जाए, कले जो फटो जाए, बेटा ऐसे न वो बेटा ऐसे न कहियो कले जो फटो जाए। बड़े दुखन से बेटा पालो मैं हूँ तेरी मैया, बड़े दुखन से बेटा पालो मैं हूँ तेरी मैया, जो तू जहर पिए गो बेटा रोई मरे तेरी मैया। लाला वो लाला वो लाला ऐसे न कहियो कले जो फटो जाए, बेटा ऐसे न कहियो कले जो फटो जाए। ध्यान रखना भक्तों, आज वो मैया ने बहुत समझाया, प्रहलाद नहीं माने तो माँ कहने लगी, बेटा अगर तू नहीं मानता है तो पी ले इस जहर को। और उसी भक्त भक्तों प्याले को उठा करके प्रहलाद ने सारा जहर पी लिया। मैया ये तो बहुत ही मीठो है, नेको दे दे। अरे रसगुल्लों के खाने वाले, तू क्या स्वाद जाने, जब तेरी ये हड्डियों में पौड़ेगा ना जहर, तब मालूम पड़ेगा। ना मैया ले कर दे। इधर भक्तों प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा, और इधर हिरण्यकश्यप सोच रहा है कि या तो नालायक समझा दिया होगा और या तो मर गया होगा। दो राक्षसों को साथ में लेकर के हिरण्यकश्यप चला, और रानी कयादु के महलों में जैसे ही घुसा, पिताजी राम राम। अरे ये नालायक अभी जिंदा है? रानी कयादु। हाँ पिया। हमने तुमसे पहले ही कहा था, ये समझ जाए तो समझा देना, नहीं से जहर दे देना। पिया दिया तो था लेकिन इसे कुछ हुआ ही नहीं है। अरे ऐसी कोई मैया होगी जो अपने बेटा को जहर दे देगी? महाराज आपको नहीं विश्वास है तो इस कटोरी में दो बूंद हैं, जरा तुम्हारे साथ दो राक्षस हैं, इन्हें चेकन करा के देख लो। हिरण्यकश्यप कहने लगे, चेक तो करना भाई। और जैसे ही आगे बढ़ के एक राक्षस ने चेक किया जहर, एक बूंद जीभ पे धर पाई, वा को स्वाद न बता पाओ, गोविंदाय नमो नमः, प्राणांत हो गया। हिरण्यकश्यप कहने लगे, आज मैं समझ गया कि तुम वास्तव में मेरी पतिव्रता स्त्री हो, अब ये नालायक ऐसे नहीं मानेगा। और खींच करके भक्तों सभा में लेकर के पहुंचा, जवाब दिया जल्लादो, महाराज इस नालायक के ऊपर हाथियों की दांत चलवा दो, ये बच नहीं पाए। ठीक है महाराज। हाथियों की दांत चलवाई, लेकिन भक्तों प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। जब कुछ नहीं बिगड़ा, नागों की कोठरी में बंद किया, भोले बाबा के नाग गले का हार बन गए। हिरण्यकश्यप कहने लगा, वे ऐसे नहीं मारा जाएगा, जला दो महाराज, इसे ले जाओ और इतने ऊंचे पहाड़ से फेंकना, ये गिरते गिरते ही खत्म हो जाए। आज भक्तों प्रहलाद को लेकर के चले हैं वो जल्लाद,
और ऊंचे पहाड़ पे जाकर के एकदम बेटा को समुद्र में फेंक दिया। लेकिन भगवान गद्दा बन के आए गए, प्रहलाद को गोदी में ले लिया और सुबह हुआ प्रहलाद अपने पिता के महलों में पहुंचे। पिताजी राम राम। अरे ये नालायक इतने ऊंचे से फेंका फिर भी बच गया, जला दो। हाँ महाराज। हमने तुमसे कहा था कि ऐसे ऊंचे पहाड़ से फेंकना गिरते गिरते खत्म हो जाए। महाराज इतने ऊंचे से फेंका था बिल्कुल बिंदु सा दिखाई दे रहा था, अब ना मालूम कैसे बच गया ये। मंत्री। हाँ महाराज। अभी ऐसे नहीं मारा जाएगा, तुम्हारे पास कोई अकल है? हाँ महाराज एक अकल है केवल। क्या? अगर चल गई तो काम कर गई तो बताओ। ऐसा करो एक अधोला कुआं खुदवाओ और उसमें इस प्रहलाद को डलवा दो और ऊपर से आरसीसी का लेंटर करवा दो, बात सही नहीं आएगी इसकी बिल्कुल। अरे मंत्री जी वास्तव में तुम तो अकल की पुटरिया हो। आज भक्तो प्रहलाद विचार करने लगे प्रभु मेरी रक्षा करना। जैसे ही भक्तों जाकर के कुआं में डाला, भगवान रस्सी बन के आ गए और रस्सी को पकड़ करके प्रहलाद फिर ऊपर आ गए, महलों में पहुंचे। कहने लगे हे पिताजी राम राम। हिरण्यकश्यप कहने लगा नाला फिर बच गया। तब तक भक्तों इसी बीच में इसकी एक बहन थी जिसका नाम था सहका। इस सहका के पति का अंत किया था इस हिरण्यकश्यप ने, तो सहका आज बदले की भावना को लेकर के भैया के पास में आई। हिरण्यकश्यप कहने लगा बहन ये तेरा भतीजा प्रहलाद है ना, ये राम नाम का दीवाना हो गया, इसे समझा देना। आज भक्तों सहका ने गोदी में बैठा है, लो लला बेटा तुम्हें न पतो बुआ को भतीजे पर कितना प्यार होता है। बहुत प्यार होते है बुआ में तो बहुत, तुम्हें जानती हो तुम वो पे कितना प्यार करती हो। मैं छोटा हूँ ना तो तुम हमारे लिए चुचरिया लावती, लेमन गोली लावती और समोसा लावती, बहुत चीज लावती, बहुत प्यार तो करती। बेटा देख एक बात बताए, अगर तू हमारी बात मानता है तो राम का नाम छोड़ दे। प्रहलाद कहने लगे बुआ मैं राम का नाम नहीं छोड़ सकता। सहका कहने लगी बेटा प्रहलाद। हाँ बुआ। अरे जिसका तू नाम लेता है वो तेरे पिता का बैरी है, तुझे नहीं पता बेटा। कुछ दिन पहले उसी ने तेरे चाचा हिरण्यकश्यप का वध किया था बेटा। अच्छा बुआ हमारे चाचा को वध कराओ बिल्ले। लेकिन जे बताए थे बुआ हमारे फूफा किल्ले मारे। अरे भैया जो इतनो नाम सुनो सोई सहका एकदम आग बबूला हो गई। प्रहलाद कहने लगे बुआ जाने चाचा को मारो है वो तो बबुलई खास हमारो है बुआ, और जाने फूफा को मारो है वो तो भैया खास तुम्हारो है। बुआ चाचा का वध तो हमारे भगवान ने किया था लेकिन फूफा किन्ने मारे? फूफा तो तेरे भैया ही ने मारे। बुआ प्रथा जन्म मत खोवे जगत के झूठे ही नाते हैं। बुआ प्रथा जन्म मत खोवे जगत के झूठे ही नाते हैं। झूठे नाते ही जगत के झूठे ही नाते हैं। बुआ प्रथा जन्म मत खोवे जगत के झूठे ही नाते हैं। उसी समय भक्तों सहका के पास एक शीतला चीर था, वो ओढ़ करके बैठ गई और प्रहलाद को गोदी में बिठा लिया और एकदम अग्नि को प्रकट किया। जैसे ही भक्तों अग्नि को प्रकट किया है, भगवान की ऐसी लीला आंधी का ऐसा झकोर आया कि जो शीतला चीर ओढ़ के बैठी थी सहका वो ओढ़ गया और जाकर के प्रहलाद के शरीर को ढक लिया। और जैसे ही प्रहलाद के शरीर को ढका सहका जल करके राख हो गई और प्रहलाद बच गए।
प्रहलाद कहने लगे, पिताजी मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ सकता। अरे पापा जी और भूलू नहीं, श्री राम को भगवान को। मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ सकता। कितने सितम तुम मुझ पे करवा चुके हो, किन किन पे जाने मुझे मरी बा चुके हो। पापा जी भूलू नहीं, श्री राम को भगवान को। बहन बुलाई मरवाए बेको, खुद मर गई है तो चली प्रभु के घर गई है। बहन बुलाई मरवाए बेको, खुद मर गई है तो चली प्रभु के घर गई है। कितने सितम तुम मुझ पे करी बा चुके हो, किन किन पे जाने आप मरी बा चुके हो। पापा जी और भूलू नहीं, श्री राम को भगवान को। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ सकता। हिरण्यकश्यप विचार करने लगा क्या किया जाए। मंत्री को बुला करके जवाब दिया है, मंत्री महाराज एक काम करो, ये ऐसे नहीं मारा जाएगा। बता महाराज। एक खम्मा गर्म करवाओ और इतना गर्म करवाओ खम्मा, कहिए खम्मा को पकड़ते ही पकड़ते जल करके राख हो जाए। ठीक है महाराज। आज भक्तों हिरण्यकश्यप के कहने पर एक खम्मा गर्म करवाया और हाथ में तलवार लेकर के कड़ाए हिरण्यकश्यप कहने लगा, ओरे प्रहलाद अब देखता हूं कि तेरा भगवान वो कहाँ है। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी मेरा भगवान मुझ में है, तुम में है, तुम्हारी तलवार में है, दरो दीवार में है। हिरण्यकश्यप कहने लगा, अगर तेरा भगवान जगह जगह मौजूद है तो देख ये खम्मा तुझे दिखाई दे रहा है, इस खम्बे को जाकर के तू पकड़ ले। और जैसे ही भक्तों प्रहलाद उस खम्ब के पास में पहुंचे हैं तो क्या देखा कि भगवान एक चीटी का रूप बना करके आ गए, उस खम्ब पर रगने लगे। प्रहलाद समझ गए, बारे प्रभु जब चीटी ना जल सकते तो हमारा तो शरीर बहुत बड़ा है, हम कैसे जल जाएंगे। तो कहने लगे, पिताजी अरे कर्म धर्म को छोड़ के पिताजी, और ये धर्म में मन बाढ़ो, और अब ही मानो बात पिताजी, बच भैया मेरो हाड़ो। पिताजी अरे कर्म धर्म को छोड़ पिताजी, अरे अधर्म में मन बाढ़ो,
और अब ही मानो बात पिताजी बच भैया मेरो थारो। पिताजी मेरा भगवान जगह जगह मौजूद है, मोई मारन को तेने बबोला अरे समुद्र में फेंकवायो और काल कोठरी में बंद कियो तेने ने कफोपन खायो। दुष्ट को ऐलानी और तन में भर गयो जाड़ो, अब ही मानो बात पिताजी बच भैया मेरो ठाड़ो। अबे वो मान जा पिताजी, मेरा भगवान दरो दीवार में है, तुम में है, मुझ में है, घास में है, फूस में है। हिरणा कश्यप कहने लगा, अगर तेरा भगवान जगह जगह मौजूद है तो तेरा भगवान इस खम्भे में भी होगा। हाँ पिताजी। आज भक्तों प्रहलाद आगे बढ़े हैं और भगवान की स्तुति करते हैं खम्भा के पास में जाकर के, और एकदम जाते ही जाते भक्तों अपने जेट में उस खम्भा को भर लिया। और जैसे ही खम्भा भरो लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा, आंखों में लाल लाल डोरे आ गए, कहने लगा हिरण्यकश्यप नालायक अब देखता हूं कि तेरा भगवान कहाँ है, अब तू मेरी तलवार से ही मारा जाएगा। और भक्तों एकदम जैसे ही तलवार उठाई तो हुआ क्या राधेश्याम शिवहरे जी, अरे खम्म फारी नरसिंह रूप धरी प्रभु ने दर्शन दे दियो। एकदम खम्मा फट गया और नरसिंह भगवान प्राकट हो गए, लंबे लंबे दांत, लंबे लंबे बाल, भयानक रूप। अरे खम फारी नरसिंह रूप धरी दर्शन दे दियो। देखिए जन भी रूप नीच को काँप गया हीयो, देखिए जन भी आहा मोह से झाग छूट रहा है, सभी देवता घबराने लगे। भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप के सामने पहुंचे, कहने लगे हिरण्यकश्यप आज वो समय आ गया, तुमने वरदान मांगा था कि ना हम दिन में मरें और ना ही हम रात में मरे, तो देख ना ही दिन है ना रात है, ये संध्या का समय है। और तूने वरदान मांगा था कि ना ही हम नीचे मरे और ना ही हम ऊपर मरे, सोई नरसिंह भगवान ने एकदम गोदी में उठा लिया और घुटनों पर रख लिया, देख ना ही तू नीचे है ना ही ऊपर है, और तूने वरदान मांगा था ना हम भीतर मरे ना बाहर मरे, आज भक्तों भगवान नरसिंह लेकर के बीच दहली पर लाकर के खड़ा कर लिया और कहने लगे तूने वरदान मांगा था कि ना हम 12 महीनन में मरे, तो तुम्हारे लिए हमने अलग से लोद को महीना बना हुआ है, और देख
तूने वरदान मांगा था ना हमका वो हथियार से मरे। सो भगवान के लंबे लंबे नाखून हते, क्या किया? अरे नीच जंगा पे बैठा रो और दयो बीचते भारी दुष्ट को है गनिस्तारो। भगवान के लंबे लंबे नाखून हते से एकदम गजी सी चीर के धरते। आज हिरणा कश्यप वहीं पर खत्म हो गया। अरे धन्य तो यशोदा के छैया, अरे विशेष एक भजन बिना डमा डोल नैया। ओ गुप्ता जी भजन बिना डमा डोल नैया। एकदम नरसिंह भगवान ने भक्तो हिरणा कश्यप का अंत कर दिया। देवता जय जयकार करने लगे। भगवान के मुंह से झाग छूट रहा है, भयानक गुस्सा है। तो सभी देवता स्तुति करते हैं भगवान की और प्रहलाद के पास में जाकर के कहने लगे, बेटा प्रहलाद, भगवान नरसिंह बहुत गुस्सा में हैं और नेक तुम्हारे जय को अच्छो है। बेटा तासु तुम ही शांत कर सकते हो भगवान को। तो प्रहलाद आज हाथ जोड़ करके नरसिंह भगवान के सामने पहुंचे और स्तुति करने लगे हैं नरसिंह भगवान की कि जगदीश तुमी जानो प्रभु, और ये लीला तुम्हारी है। जगदीश तुम्हें जानो, माफ करना प्रभु। जगदीश तुम्हें रे जानो, ये लीला तुम्हारी है और हम किस से कहेंगे। और जब कृपा तुम्हारी है किस से कहेंगे। बार बार खड़े होकर के प्रहलाद स्तुति करते हैं नरसिंह भगवान की। गोकाल चक्र मुझको चक्कर दिखलावे तो, और प्रहलाद को डर किसका प्रभु। जा भक्त को डर किसका, और जब दया तुम्हारी है जा भक्त को डर किसका। अरे जगदीश तुम्ही जानो, जो लीला तुम्हारी है। जगदीश तुम्ही जानो, बार बार भक्तों हाथ जोड़ करके परम भक्त प्रहलाद स्तुति करते हैं भगवान की। आज स्तुति देकर के नरसिंह भगवान इतने प्रसन्न हो गए प्रहलाद के ऊपर, भक्तों आज अपनी जीभ से चाटने लगे प्रहलाद को। ध्यान रखना भक्तों, भगवान नरसिंह कहने लगे, बेटा वरदान मांग ले, हम तेरी भक्ति पर शक्ति पर बहुत प्रसन्न हैं। तो प्रहलाद कहने लगे, प्रभु आपसे मैं क्या वरदान मांगू,
हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु एक वरदान दे दो कि मेरे पिता को नरक योनि नहीं मिले, स्वर्ग मिले। नरसिंह भगवान कहने लगे, एवं वस्तु बेटा, धन्य है तेरे जैसे पुत्र को, तूने अपनी मैया की कोख को धन कर दिया। बेटा बेटा, तेरे जैसा पुत्र तीन कुलों का सुधार करता है, ननिहाल पक्ष, ससुराल पक्ष और परिवार पक्ष। धन्य है बेटा, जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम सदा सुखी रहोगे। अरे जय बोलो यशोदा के छैया की, जय बोलो, जय बोलो यशोदा के छैया की, जय बोलो, जय बोलो बा कृष्ण कन्हैया की, जय बोलो, जय बोलो बा कृष्ण कन्हैया की, जय बोलो। एलानी बोलो, जगवीर बोलो, जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की, रे जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की, जय बोलो। ध्यान रखना भगवत प्रेमियों, ये परम भक्त प्रह्लाद की कथा हमने कल्याणी कैसेट के माध्यम से सुनाई। इसके निर्माता हैं पदम गुप्ता जी, संयोजक राधेश्याम शिव हरे जी, और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मुन्ना लाल गुप्ता जी, गुप्ता स्टूडियो आगरा। जय बोलो बा कृष्ण कन्हैया की, जय बोलो, जय बोलो। हमारे पास में खड़े हैं ये हमारे चाचा जी पारत लता जी, और ढोलक पर संगति कर रहे हैं चैंपियन एलानी जी, और चिमटा बजा रहे हैं जगवीर जी, पास में बैठे हैं योगेश कुमार देवा। गुप्ता जी बोलो, अरे विशेष बोलो, जय बोलो विजय करैया की, जय बोलो,